हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बिना किसी एप्लीकेशन के हम कोई भी फाइल या डाटा जो है हाइड कैसे करें। दोस्तों, ऐसा होता है कि हमने हाइड फाइल का सॉफ्टवेयर रखा हुआ, एप्लीकेशन रखा हुआ है। दोस्त या फिर कोई भी जानने वाला फ़ोन लेता है तो देखता है हाइड फाइल का सॉफ्टवेयर है, बंदे ने कुछ ना कुछ हाइड किया होगा। अब उसे हम पासवर्ड ना बताए तो दिक्कत, बताए तो दिक्कत। अब यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं कि विदाउट कोई ऐसा एप्लीकेशन, हाइड एप्लीकेशन के हम अपना डेटा कैसे हाइड कर सकें। दोस्तों, इसके लिए बताना चाहूँगा, बहुत से फ़ोनों में यस फाइल एक्सप्लोरर होता है, अदरवाइज़ आपके फ़ोन में नहीं है तो कोई समस्या की बात नहीं, आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ऐसे दोस्तों बताना चाहूँगा जो कि अभी मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है यस फाइल एक्सप्लोर, जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं यस फाइल एक्सप्लोर प्रो। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे तो इसका 199 रुपये कुछ प्राइस है, अच्छे से याद नहीं मुझे। अदरवाइज यस फाइल एक्सप्लोर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि यस फाइल एक्सप्लोरर जो एक्सप्लोर प्रो जो है इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है। दोस्तों चलिए मैं इसको ओरिजिनल प्राइस आपको दिखा देता हूँ, जो कि अभी मैं देख रहा था क्रोम में है। ये देखिए दोस्तों, यस फाइल एक्सप्लोरर प्रो आपका 199 रुपये का, इधर ही आपका यस फाइल एक्सप्लोर आपका फ्री है। वैसे दोस्तों, अगर आपको यस फाइल एक्सप्लोरर प्रो चाहिए तो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, कोई परेशानी की या समस्या की बात नहीं है। चलिए अभी हम दोस्तों देखते हैं कि हमने फाइल कैसे हाइड करनी है। अब यहाँ पे प्रो ओपन कर लेते हैं हम यस फाइल एक्सप्लोर। जैसा कि आप बताना चाहूँगा, चलिए हम दोस्तों ADM जो है डाउनलोडर मेरा सॉफ्टवेयर उसका ये फोल्डर है। अदरवाइज हमें पूरा का पूरा अगर जो हमने चीज़ें डाउनलोड करी है वो हाइड करना चाहे तो कैसे करेंगे। दोस्तों इसमें मैंने मार्क लगा लिया है, यहाँ पे आपके 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके जो ऑप्शन आ रहे होंगे सबसे नीचे आपका हाइड का एक ऑप्शन आ रहा है, इसे हम हाइड कर देते हैं। ये हाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो कि मेरा ADM फाइल का, तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे थे ADM फाइल जो थी वो नहीं दिख रही अभी आपको। अदरवाइज़ मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो भी डेटा है अगर वो यहाँ हमारी गैलरी में भी करेगी, इस सॉफ्टवेयर का ये ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों। अदरवाइज़ अब हमने करना क्या है, हमारा हाइड हो गया फाइल और किसी भी फ्रेंड या किसी भी दोस्त को नहीं पता चलेगा कि वो हाइड हो चुका या फिर ऐसा कोई डेटा है हमारे पास, ना ही कोई हमारे पास ऐसा एप्लीकेशन है कि हम हाइड कर सके। तो अब हम देखते हैं कि जो फाइल मैंने हाइड करी है वो कहां से मैं अब उसे देख पाऊंगा। दोस्तों यहां पे 3 डॉट्स दिखा रहा है आपका लेफ्ट हैंड पे, यहां पे आपका नीचे आएंगे आपका हिडन लिस्ट, ये रहा। अब इसे क्या करना है, रिस्टोर कर दिया हमारा ADM फाइल, हमारा ADM दोबारा आ गया। दोस्तों जैसे कि बहुत आसान है, यहाँ पे हमने फाइल हाइड करना है या फोल्डर ही हाइड कर देना है, जो कि हम आसानी से कर सकते, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों अगर इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो आप इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आज़ाद के साथ।